गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह एंड सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8। तो मैं अपनी छत पर घूम रही थी तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है तो हम लोग बढ़िया सुबह से उठ के घूम रहे थे छत पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि आज मैं डेली रूटीन में क्या करने वाली हूँ क्या नहीं, तो मैं वो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आज क्या है कि आज हम लोग थोड़ा सा घूमने वगैरह जाएंगे, तो अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग घूमने जाएंगे, अगर बारिश हो गई तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जो है आज थोड़ा घर की ब्लॉगिंग करेंगे कि आज मैं अपने डेली रूटीन में क्या करती हूँ क्या करने वाली हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी कि मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो मेरा प्रोडक्ट आ गया है, तो आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या मंगाया है। और उसके बाद जो मेरा सेकंड है कि मैं आज खाने पे क्या बना रही हूँ, या फिर मैं आज आप लोगों के साथ आज मैं जो भी करूँगी वो शेयर करूँगी। और आप लोगों के साथ ना एक चीज़ मैं और शेयर करूँगी कि मैं एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ वो काफ़ी बेटर है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने फेस पर क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊँगी कि मैं क्या चीज़ लेके आई हूँ और उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। एंड और उसके बाद जो मेरा वर्क है सुबह से लेके रात का टाइम तक, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे चारों तरफ घर के चारों तरफ का एरिया है जो काफ़ी अच्छा हो रखा है, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो ये बरसात के मौसम में इतना अच्छा लगता है। देखिए हमारे जो बम्बेश्वर है, हम बांदा में रहते हैं, तो बांदा में जो है ये बम्बेश्वर जो है वो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सबसे फ्रंट पे है ये, तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मंदिर भी है। मैं एक दिन आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूँगी जब मैं बम्बेश्वर जाऊँगी, काफ़ी अच्छा है। तो मैं फिर चलती हूँ मैक्रोनी बनाने के लिए, सुबह का मेरा नाश्ता है। तो मैक्रोनी बनाने के लिए पहले करना क्या होगा मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इंडक्शन ओपन कर दिया था। इंडक्शन ओपन करने के बाद कुकर रखा, कुकर के बाद मैं इसमें डालूँगी आधा जग पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि मैक्रोनी के हिसाब से ही हमें पानी लेना है, तो मैक्रोनी के हिसाब से मैं पानी लूँगी। और उसके बाद मैक्रोनी डालूँगी मैं, और मैक्रोनी जितनी भी मैंने ली है तो मैक्रोनी सारी मैं कुकर में डाल दूँगी। और मैक्रोनी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी जिससे कि मैक्रोनी चिपके नहीं, बॉयल भी बहुत अच्छे से हो जाए, चिपके नहीं, काफ़ी अच्छा मतलब हो जाता है। तो आप लोग भी मैक्रोनी में ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालिए। इसे डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छा खिल के ये उबल जाता है एंड काफ़ी अच्छा इसमें मतलब टेस्ट भी आ जाता है। ऑयल डालने से ये होता है कि ये चिपकते नहीं हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाते हैं। तो हम इसे एक सीटी के लिए उबलने के लिए रख देंगे, चला के पूरी तरीके से मिक्स करके इसको एक सीटी के लिए रख देंगे। ये एक सीटी में ही बॉईल हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा सीटी भी नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये बॉईल हो जाएगा तो फिर वो बहुत गीला टाइप का बन जाएगा, तो इसलिए ओनली एक सीटी पे ही हम लोग इसे उतार देंगे। इसके बाद मैंने ये काटा, टमाटर है, प्याज है, कड़ी पत्ता है एंड मिर्च है, धनिया है, तो ये सब मैंने बारीक तरीके से काट लिया था। और काटने के बाद हम लोगों ने फिर ये मैक्रोनी बनाना स्टार्ट किया था, तो बहुत छोटे पीसेस में काटना है, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं काटने हैं, मैक्रोनी में छोटे पीस ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, टमाटर के भी कर लिए थे
एंड प्याज के भी कर लिए थे और मिर्च के भी छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस कट ली थी। एंड इसके बाद धनिया का भी पीसेस कर लिया था, कड़ी पत्ता भी मैंने रख लिया था। तो इसके बाद मेरा सारा ये मटेरियल कट गया था। एंड कटने के बाद मेरा ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये उबल गया है। उसके बाद मैंने पैन चढ़ाया, पैन में अपने मैंने तेल डाला। तेल डालने के बाद 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है आपको, 2 से 3 या इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैकरोनी जो होती है ना वो बहुत तेल छोड़ती है, इस वजह से आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला थोड़ा सा। जीरा डालने के बाद आप इसमें कड़ी पत्ता डाल सकते हो, कड़ी पत्ता से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद मैंने प्याज डाला, इसमें प्याज डालने के बाद इसे रेड होने के लिए छोड़ दिया। तो चलाते रहना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रेड नहीं करना है, तो थोड़ा सा ही सुनहरे कलर का ही इसे भुनना है। इसके बाद जब ये हमारा प्याज रेड हो जाए, रेड होने के बाद हम इसमें डालते हैं मिर्च। मिर्च के जो छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस किए थे तो हम इसमें मिर्च डाल के इसे चलाएंगे, मिर्च भी थोड़ा सा रेड हो जाए। तो मिर्च रेड होने के बाद हम लोग इसमें टमाटर ऐड करते हैं। तो टमाटर पक जाने के बाद इसमें हम लोग मसाला डालेंगे। तो मसाले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मिर्च रेड पाउडर एंड हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि हम लोगों ने मैकरोनी में भी डाल रखा था तो इसलिए ध्यान देना है। इसके बाद सारी मैकरोनी इसमें डाल दी थी और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। और मिक्स हो जाने के बाद आप देखिए मेरे ये इसमें सब कुछ डालने के बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं मैकरोनी। एंड मेरा तो नाश्ता तैयार हो चुका है, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। सिंपल तरीके से बनाने का जो है टिप वो मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया है कि किस तरीके से मैं मैकरोनी बनाती हूँ। एंड मेरी मैकरोनी रेडी हो चुकी है, तो हम इसे सर्व करने के लिए तैयार हैं। एंड मेरी चाय और मैकरोनी दोनों तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं अगले स्टेप्स पे। जो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है तो वो ये है, एलोवेरा का मॉइस्चराइजिंग जेल, जो मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट, तो आप लोग भी ये नेचर्स का मंगा सकते हैं एलोवेरा जेल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एलोवेरा जेल आपके लिए, आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छा है ये, और आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल सभी लोग अपने घर पर एलोवेरा पेड़ लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आप ओरिजिनल लगाते हो तो काफ़ी बेटर है। बट अगर आप घर पे आपके नहीं हैं तो आप ये एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल मंगवा सकते हैं एंड आप इसको यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छा जेल है ये। तो मैं अपने फेस पर इसे भी यूज़ करती हूँ, जो ओरिजिनल हमारे घर पे पेड़ लगा हुआ है तो उसका भी यूज़ करती हूँ। आप अगर इसे यूज़ करते हो ना तो आपके ये जो ब्लैकनेस आ जाती है तो वो सही हो जाता है, आपके फेस पर जो झाइयाँ हो जाती हैं वो भी सही हो जाता है, एंड जो दाने निकल आते हैं ना, छोटे छोटे से दाने निकल आ जाते हैं बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, तो आप उससे भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए अपने फेस पर। एंड मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा बेटर है ये ऑप्शन। एंड आपको ना ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, आपको ये काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जाता है। एंड ये ब्यूटी जेल है तो आप लोग ज़रूर इसे इस्तेमाल करिए। मैं आपको इसमें खोलकर दिखा देती हूँ कि आपको इसके अंदर कैसे मिल जाता है। आपको इसमें ये
ये जेल मिल जाता है, देखिए काफ़ी अच्छा है, इसका पैक ही बहुत ही प्यारा लग रहा है, डिब्बी जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप ये एलोवेरा जेल का मॉइस्चराइजिंग जेल आप मंगवा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रेट पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ये अभी पैक है, आपको इस तरीके से पैक मिलेगा। तो आप इसे जेल को निकाल कर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे क्या होता है कि आपका जो फेस होता है वो बहुत ही रूखा हो जाता है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेटर है। तो आप इसे यूज़ करिए एंड इससे काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। एंड एलोवेरा इज़ ए वर्ड, आप काफ़ी इसे यूज़ कर सकते हो, इस मतलब कि सभी लोग इसे यूज़ करते, काफ़ी लोग इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो मैं अपने फेस पे तो इसे अप्लाई करती हूँ, एलोवेरा का जेल है, एलोवेरा का आपको फेस पैक भी मिल जाता है। आप अगर एलोवेरा का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत बेटर होने वाला है। और एलोवेरा का तो काफ़ी प्रोडक्ट आता है, एलोवेरा जेल है, एलोवेरा का क्रीम आता है, एलोवेरा का फेस पैक आता है। आप एलोवेरा के मतलब हर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं होता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो आप इसे यूज़ करिए एंड ये कई मतलब जो होता है ना, आपके स्किन की प्रॉब्लम होती है या फिर झाइयाँ पड़ जाती है वगैरह वगैरह, जो भी होता है ना, अगर आप इसे यूज़ करते हो ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी लाभ होने वाला है। तो आप लोग यूज़ करिए, मैं तो ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने एलोवेरा के कई प्रोडक्ट मंगवाए हुए हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ अपने फेस में, तो आपकी स्किन शाइनी रहती है और काफ़ी अच्छा रहता है और आपको मतलब नुकसान भी नहीं करता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो आप ज़रूर इसे यूज़ करिए। मैं तो अपने फेस पर ये अप्लाई करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये मेरे लिए, तो मैं आपको शेयर करना चाहती थी, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग अपने फेस पे क्या यूज़ करते हैं और क्या अच्छा होता है, तो मुझे आप बता सकते हैं। तो मैं तो एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ अपने फेस में डेली रूटीन में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद मेरा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।